Assalamualaikum everyone. This is me, Maghfar Azman, and you are watching my YouTube channel. As you all know, I'm student of mass communication. So मैंने last time आपको visit करवाया था TV studio और आज बारी है radio studio की. मैं अभी एक room में बैठी हूँ जहाँ पे हम recordings वगैरह करते हैं. अभी हम जाएंगे radio के जो incharge हैं हमारे, उनके पास. पहले उनसे उनका introduction लेंगे और then वो हमें radio visit करवाएंगे. So let's move with me. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाए, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी. तो ये हमारे रेडियो के इंचार्ज हैं. अभी पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बाद हम रेडियो विजिट करेंगे. जी, मेरा नाम है डॉक्टर मुनीम शहजाद और मैं यहाँ पर FM मैनेजर के तौर पर फ्राई सर अंजाम दे रहा हूँ. और मैं इस यूनिवर्सिटी में 2009 से हूँ और अभी तक मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पास आउट किया है, जिसमें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रेडियो पर काम किया और आज इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. जी सर, और इसके अलावा आप हमें विजिट करवा दें. जी ज़रूर आइए. ये सर का ऑफिस है और ये सर खुद है. ये मैं. हाय सर. सबसे पहले ये स्पेस जो है यहाँ, ये हमारा बेसिकली बफर जोन है. ओके. और यहाँ पर ये है कि यहाँ पे स्टूडियो स्टार्ट हो रहे हैं. ओके. कुछ रिकॉर्डेड स्टूडियोज हैं और एक लाइव स्टूडियो है और उसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम. बेसिकली ये स्पेस ये भी होती है कि रिकॉर्डिंग में कोई एरर ना हो. रिकॉर्डिंग में जाने से पहले आपको पता हो कि आप एक बफर जोन के अंदर हैं, ताकि जब आप स्टूडियो में जाने लगे तो आपको पता हो कि अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप यहाँ पर शोर मत करें. तो इस टाइम सेम वैसे जैसे टीवी के शुरू में बना है, सेम उसी तरीके से होता है. स्टूडियो में इस टाइम रिकॉर्डिंग चल रही है. Okay. तो अभी हम हमारा लाइव स्टूडियो है, हम इसको विजिट कर लेते हैं. ये हमारा लाइव स्टूडियो है और यहाँ से हम अपने लाइव न्यूज़ बुलेटिन करते हैं, लाइव शोज करते हैं. और यहाँ से जो माइक है और जो कंसोल है वो अटैच है वहाँ पर मास्टर कंट्रोल रूम के साथ. ये मास्टर कंट्रोल रूम है, सैयद फैज बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को सारा कंट्रोल करते हैं. ओके. इस स्टूडियो में आने से पहले स्टूडेंट्स अपना पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं. ओके. वो पेपर का वर्क कंप्लीट करने के बाद इस स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पर अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं या हम उसको लाइव करते हैं. हमारा लाइव शोज चलते हैं और लाइव न्यूज बुलेटिन यहाँ से ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं. उसके अलावा देखिए कितना खूबसूरत एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसे होता है, इतना खूबसूरत और इतनी मेहनत की है यूनिवर्सिटी में ने इस पे. तो अगर हम इधर भी ना आए तो फिर किधर. नहीं, उसमें एक और चीज मैं आपको ये बताता चलूँ की जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है जी, उनमें सबसे बेहतरीन सेटअप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का है. हाँ जी, ये हमारा कंट्रोल रूम है और ये सैयद फैज है जो. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, उसमें ये जी हमारा ऑडियो कंसोल है, उसके साथ सिस्टम अटैच है. ओके. और साथ ये ऑडियो मिक्सर ये अटैच है और उसके साथ ये हमारा ट्रांसमीटर है. एक मिनट मैं ये दिखा दूं. जी जरूर. ये ऑडियो मिक्सर है. ओके. ये सिस्टम, ये ऑडियो मिक्सर, इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ फंक्शन कि इसके साथ जितने भी वहाँ पर माइक है वो अटैच है. ओके. उसके साथ ये सिस्टम अटैच है और उसके बाद ये साउंड सिस्टम ये भी इसके साथ अटैच है. यहाँ पे सारी आउटपुट इनपुट आती है और यहाँ से इनपुट सारी जाती है ट्रांसमीटर में. ठीक होगा. ये पता चलता है कि इसमें बोलने वाले का कमाल नहीं है, जो काम पीछे करते हैं उनका भी बड़ा कमाल, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है. जी. और ये ट्रांसमीटर है, ये यहाँ पर जो ऑडियो मिक्सर है वहाँ से जितनी भी इनपुट उसमें आती है वहाँ से सारी आउटपुट यहाँ पर आती है और उसके बाद ये यहाँ से ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट करता है. ये जी हमारा कंट्रोल रूम है और इसके साथ ही हमारा एक स्टूडियो जो इस टाइम फ्री है, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही. आप उसको एक कंप्लीट सेटअप बना हुआ है और इसको यूज करें. अगर आप फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसको यूज करें. आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाना चाह रहे हैं अगर तो. ये हमारा एक रिकॉर्डिंग रूम है और इसमें अगर आप अपने जो देखने वाले हैं उनको दिखा सकें कि ये डोर है और ये वॉल्स और सीलिंग और उसके बाद फ्लोर, इसकी जो मोटाई है वो इतनी है कि इसको आप प्रॉपर साउंड प्रूफिंग की गई है, ताकि यहाँ से आपकी आवाज़ बाहर ना जा सके और बाहर की आवाज़ अंदर ना आ सके. और दूसरा एक और चीज़ जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा कि जब भी आप किसी रूम के अंदर होते हैं तो वहाँ पर आपकी जो वॉइस है वो बाउंस बैक होती है. वो क्यों होती है? कि वो हार्ड सरफेस के ऊपर जब टच होती है तो वो वापस बैक आती है. लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर होल्स मौजूद है. हाँ जी. वो जितनी वॉइस इस रूम के अंदर दीवारों से टकराती है वो टकराती नहीं है, वो बेसिकली अब्सॉर्ब हो जाती है. अब्सॉर्ब होने के बाद वो जो इको जनरेट होती है वो नहीं होती, वॉइस बाउंस बैक नहीं होती. और इसलिए जब आप किसी भी रिकॉर्डिंग रूम के अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी आवाज की क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है.
उसके अलावा यहाँ पर भी ये ऑडियो कंसोल मौजूद है, सिस्टम है और साथ माइक्स हैं। हमारा बेसिकली काम है बच्चों को ट्रेन करना, क्योंकि जो कैंपस रेडियो स्टेशन है उनका बेसिकली काम होता है बच्चों को ट्रेन करना। हमारा काम प्रोफेशनल बनाना है। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी लॉट आती है, जो ये लैब है, यहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं आते। इतनी इतनी अच्छी प्रोफेशनल लैब है किस्म की, कोई इसमें कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है कि आप कहें कि माइक खराब है या कोई इसी वक्त रिकवर हो जाता है वो हर चीज। देखें, टेक्निकली फॉल्ट आना एक नेचुरल चीज है, लेकिन उसको ठीक करना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो जब फॉल्ट आता है तो हम उसको फौरन से कवर कर लेते हैं। इसी पैटर्न पे एक और सामने स्टूडियो, लेकिन उस टाइम उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हम उनको स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और दूसरा, मैं आपके तवज्जो से मैं पैगाम देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो मैथ्स कॉम के हैं, कि अगर आप इस फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो इसमें दो चीजें जरूरी होती हैं, एक होता है रीडिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे, अगर आपके पास अल्फाज नहीं है तो आप नहीं बोल सकते। तो इस चीज के लिए जरूरी है ज्यादा सुनना होता है ना, गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। आप सुनना भी और पढ़ना, ये तभी होगा जब ये दो चीजें होंगी, तो उसके बाद आप अच्छा बोलेंगे। क्योंकि हर कोई, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर मूव करें तो आप हर किसी को बोलता हुआ देखते हैं, लेकिन आपको अच्छे बोलने वाले कम मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं? क्योंकि ना वो पढ़ते हैं, कम मिलते हैं ना वो पढ़ते हैं, ना वो अच्छा बोलते हैं, ना अच्छा सुनते हैं। जी, यही बात है। तो इस चीज की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे डिस्कशन करेंगे, अच्छा सुनेंगे, और तो ये आपकी ग्रोथ होती है। ये बात है कि बिल्कुल रैंडम सा मैंने सर से कहा कि हमने मतलब रेडियो दिखाना है, तो एक रैंडम सा था। अब देखिए, अगर सर के पास एक चीज है ना कि उनको पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी कि मैंने बोलना है, ओ माय गॉड मैं पॉइंट्स नोट करता हूँ, सर ने कितनी अच्छी की और कितनी लंबी वीडियो हमारी चली गई है। देखिए, इसमें देखिए इतने साल हो गए पढ़ाते हुए और काम करते हुए, तो इसमें फिर और दूसरी एक और चीज है, कम्युनिकेशन के लोग हैं, तो अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट ना कर सके तो हम क्या करें। यही बात है, देखिए ये हमारी स्किल होनी चाहिए। और हम यही चीज कहते हैं कि आज के दौर के अंदर जिसको हम सोशल मीडिया का दौर कहते हैं, कम्युनिकेशन का दौर कहते हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो अगर आप अच्छा नहीं बोलेंगे आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देखिए, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, और पैगाम पहुंचाने के लिए सॉफ्ट वॉइस बहुत जरूरी है। उसके अंदर आपका जब तक अपना इमेज क्लियर नहीं होगा आप लोगों को नहीं समझा सकते। यही बात। और सबसे मुश्किल होता है पढ़े लिखे इंसान को समझाना। यही बात, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है, पढ़े लिखे जाहिल आजकल, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर है ना, डॉक्टर यूसुफ साहब, तो वो हर क्लास में यही सोचे, ओ खुदा का खौफ करो, तुम लोग बलागियात के स्टूडेंट हो, बलागियात कम्युनिकेशन जो है वो आपकी स्ट्रांग। देखिए, कम्युनिकेशन अगर आप मीडिया के लोग भी कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हाँ, बेसिकली अगर आपने टीवी पे बोलना है तो उसके लिए रेडियो प्रैक्टिस जरूरी है, पहले रेडियो आता है फिर। इसमें मैं चीज ऐड, जो मैंने शुरू में भी ऐड की थी, मैं वो ऐड करता चलूं कि इस टाइम नेशनल मीडिया के ऊपर हमारे बहुत से स्टूडेंट्स, अगर मैं नाम लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं, नजम है, जोक, जकी, फातिमा तुजहरा, अरूसा, अरसलान, ये वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम, बिलाल है, ये मेन स्ट्रीम के वो मीडिया में बैठे हुए हैं जो रेडियो पे काम करते रहे हैं। इन्होंने रेडियो के ऊपर अपनी वॉइस को पॉलिश किया, अपना कंटेंट बेहतर किया, अपनी रीडिंग एनहांस की, और आज देखे वो नेशनल मीडिया के ऊपर बैठे हुए, उनको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब है कि सिफारिश की जरूरत नहीं होती अगर आपके अंदर स्किल्स हो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने स्टूडेंट्स के लिए एक व्लॉग बनाया। बिल्कुल, मैंने ये मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बुलाया है कि आप जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं वो बेसिकली यहाँ से आए, ये उनकी लैब है। और थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मज़ीद मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स का विज़िट करूँगी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को विज़िट करूँगी, और स्पोर्ट्स वालों के लिए जो लैब्स वगैरह बनी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।